हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो ये जो ये व्लॉग, ये मेरी पहली व्लॉग है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यार मैं कौन हूँ, मैं किस जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे काम क्या है। ठीक है, तो यार चलो चलते हैं काम की चीज़ की। और तो मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, और जो है सो मैं अभी बात जो है करते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। पहले तो ये आपको बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र होता है कि मुसलमान हूँ, और इस चीज़ पे हर एक को फ़ख्र होता है कि मैं मुसलमान हूँ। यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस पर मुझे फ़ख्र होता है कि मैं मुसलमान हूँ। चलते हैं दूसरी ओर की। यार मैं जो है सो कंट्री पाकिस्तान सिटी लाड़कानों के करीब रतो डेरों से रहने वाला हूँ। ठीक है, तो जो मेरी फैमिली है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मैं मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम अली है। वैसे घर में तो मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं, वो जो मेरा नाम है कभी आपको किसी दिन बताऊँगा, लेकिन जो मैं सोशल वगैरह पे करता हूँ नाम यूज़, वो मेरा अली है। जैसे फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टा तो मैं यूज़ नहीं करता, ट्विटर वगैरह, वहाँ पे मेरा नाम अली है। तो अली मेरा नाम है। और जो मेरी कास्ट है, यार कास्ट को छोड़ो, बस इतना ही काफ़ी है, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं मुसलमान हूँ। मेरी फैमिली भी मुसलमान की जो है ना मुसलमान रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है। और मैं तो यार मैं आपको बताते चलूँ कि यार मेरा काम क्या है। मेरा काम ये, सबसे पहले तो मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ। यार आप अगर मुसलमान होंगे तो आपको पता होगा, कामयाब होने के लिए जो है ना आदमी को अल्लाह की ज़रूरत होती है, अल्लाह के बिना तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए यार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, तलावत नहीं करते कुरान शरीफ़ की, और बहुत सारी इस्लाम की चीज़ें नहीं करते, तो यार आपको उन्हें टाइम देना चाहिए। वैसे हकीकत में तो यार अल्लाह ने हमें इसलिए तो नहीं भेजा कि हम जो है सो ना कमाएं और एक तीन वक्त की रोटी खाएं, फिर से सो जाएं, फिर कमाएं, फिर गुनाह करने लगें। बहुत लोग ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, उन्हें बस यही लगा होता है कि दुनिया सिर्फ कमाने के लिए होती है, दुनिया कमाने के लिए नहीं होती। दुनिया में जिस मकसद के लिए आएँ उसे पूरा करना पड़ता है। यार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप इस मकसद को पूरा नहीं करते तो आप पूरा कीजिए। अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है, एक दिन सबसे बड़ा आदमी बनना है, एक दिन जो है सो आप देखें कि आपके नीचे लोग खड़े हों, किसी के सामने आप ना झुकें, झुकें सिर्फ अल्लाह के सामने, तो यार सबसे पहले मैं आपको बताने चलूँ कि आप जो है ना नमाज़ पढ़ा करें। अगर नमाज़ नहीं पढ़ते तो यार कोशिश करा करें, नमाज का टाइम निकाल के आप नमाज़ पढ़ा करें। जो है सो ना एक दिन कयामत आने वाली है। ठीक है, एक ना एक दिन कयामत आने वाली है, सबको वहाँ मुंह देना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या बादशाह हो, या किंग हो, किंग या बादशाह एक ही है। तो जो है सो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो, उसे एक दिन अल्लाह के सामने आना है। मैं एग्जांपल दूँ, अलेक्जेंडर, जिसने यार पूरी दुनिया पे राज किया था, एक दिन उसे भी अल्लाह के सामने आना है। ठीक है, अल्लाह जो है ना, हर अगर इंसान को ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, फिर अल्लाह भी उसके जो है ना ऊपर कंधों पे और जो है ना चीज़ें रख लेता है। ऐसे नहीं कि आपके पास पैसा आ जाए जो है सो किसी चीज़ों की नहीं लगी, अपने आप में लग जाए, ऐसा भी नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको अल्लाह पाक ज़्यादा जो है सो ना ज़्यादा फर्ज देता है, उस पर ज़्यादा बोझ आ जाते हैं। तो मैं आपसे कहते चलूँ यार, अगर आप जो है ना आप जो नमाज़ नहीं पढ़ते, प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें। सुबह अगर सुबह आप उठें, सबसे पहले तो यार कुरान शरीफ़ की तलावत है। अगर कुरान शरीफ़ की आप तलावत करेंगे ना, इंशाल्लाह आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। मैं आपको यही बताने चलूँ यार, मेरे भी काम कुछ ऐसे ही हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ़ की तलावत करता हूँ। जो है सो आपको भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो है सो आप भी यार नमाज़ पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ना अच्छी बात है। अगर आपको जो है सो इस दुनिया में कामयाब होना है और उस दुनिया में भी कामयाब, वैसे मैं आपको जो है ना बताते चलूँ, इस दुनिया में कामयाब होना जो है ना
इतना इतना मुश्किल काम नहीं है इस दुनिया में कामयाब होना। इस दुनिया में कामयाब होने के बहुत तरीके हैं, बहुत, क्योंकि ये दुनिया ना यार बहुत बोलती हैं, मैंने बहुत के मुंह से सुना है कि ये दुनिया सिर्फ पैसों पे चलती है। यार यहाँ तो पैसा चलेगा लेकिन वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो यार जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है तो यार हमें उस चीज़ को टाइम देना चाहिए और उस चीज़ में हमें जो है ना उतरना चाहिए, उसे समझना चाहिए। इस्लाम क्या है, इस्लाम क्यों आया था, इस्लाम कैसे मिला था हमें। यार हम तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये शुक्र करना चाहिए कि जब हमारे नबी ने अल्लाह से ये गुजारिश की थी कि अल्लाह कि मेरी उम्मत का दूसरों की उम्मत जैसे मत करना, जैसे कि पहले वो हुआ करता था, पहले जो है ना आज़ाब जल्दी आया करता था इसी दुनिया में, इसी कई लोग यार बंदर बन जाते थे इंसान में से, कई लोग खंजील बन जाते थे इंसान से, कई लोग गधे बन जाते थे इंसान से, लेकिन हमारे नबी ने इस चीज़ से हमें अल्लाह से बचाया है कि यार अल्लाह पाक इन्हें जो है ना इस दुनिया में ना बंदर बनाना, ना खंजील बनाना, ना गधा बनाना। तो यार आपको शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे नबी ने इस चीज़ से हमें बचाया है। तो यार मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप जो है ना टाइम निकाला करें, अल्लाह को जो है ना टाइम दिया करें। वैसे इसमें जो है ना हम अल्लाह को टाइम दें या नहीं दें, इसमें अल्लाह का कुछ नहीं होगा। हम अल्लाह को टाइम दें अल्लाह का फ़ायदा है, नहीं अल्लाह को टाइम ना दें अल्लाह का फ़ायदा नहीं होगा, नहीं। वो मालिक है हर चीज़ का, वो खालिक है। तो यार हमें देना चाहिए अल्लाह का जो है ना, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तलावत करनी चाहिए, बहुत इस्लाम की चीज़ें उन्हें उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। तो यार जो है सो ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप नमाज पढ़ा करें। तो आज की वीडियो बस इतनी है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल आपको नई वीडियो के साथ। जो है सो अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो यार नहीं, हम भी तो नए हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।